बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बेगम इजाज़ चौधरी, जो साबक एमएनए मंडी भावलदीन से हैं। हाजी इम्तियाज चौधरी एमएनए, मैं उनकी भाभी हूं। अभी रात के 2 बजे हैं। अभी अभी हमें इतला मिली है कि हमारे जो मंडी वाला घर है शहर के अंदर, वहां पे 30 से 40 लोगों ने जो है घर में दाखिल हुए हैं, दरवाजे तोड़े हैं, घर का काफी सामान जो है तोड़ फोड़ की है। और फिर जो है हमारा अबाई गांव है चक 16 करारी वाला, वहां पे नामलूम का पोश अफराद ने जो है दरवाजे तोड़ के जबरदस्ती घर में घुसे हैं। घर में खवातीन थी और खवातीन को जो है गाली गलौज की गई है, हरासा किया गया है, बदतमीजी की है। हमारी जो मेरी मदर इन लॉ है हाजी इम्तियाज चौधरी, जो उनकी वालदा है और जिनकी, और जो चौधरी इजाज जो मेरे हस्बैंड है उनकी वालदा है, जिनकी उम्र 100 के लगभग है, उनको बुजुर्ग माँ जी को जो कि इनकी नानी और दादी की उम्र की हैं, उनको धक्के दिए हैं, जमीन पे गिराया है और उनसे बदतमीजी की है, गाली गलौज की है और सारी खवातीन से मोबाइल छीने हैं और खवातीन की पिक्चरें बनाते रहे हैं और हरासा करते रहे हैं खवातीन को और मोबाइल छीन के चले गए हैं। जबकि हमारी जो वालदा है इस टाइम बेहोश पड़ी हुई है, सदमे में है, उनको कोई होश नहीं है। इन्होंने पहले कल भी आप देखी होगी आपने वीडियो जो जा साहब ने अपलोड की थी कि इन्होंने कल हमारी जो है करोड़ों रूपये की फसलों का नुकसान किया है। वो हमारा जो माली नुकसान था वो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, अल्लाह ना करे जो इन्होंने किया है कि अल्लाह ना करे कोई अम्मा जी का कुछ कोई जानी नुकसान हो जाता है, उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है वो आर्मी है, जो फौजी हैं, जो कि दहशत फैला रहे हैं हमारे घरों में आके, हमारी औरतों को, हमारे खवातीन जो घर के बुजुर्ग हैं उनको हरासा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और जबकि घर की औरतों ने पूछा है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ना हाजी इम्तियाज साहब को बोले कि जो मंडी के इंचार्ज हैं ISI के मेजर उमैर, उनसे मिल लें तो हम नहीं आएंगे। मेजर उमैर कौन है ISI का? हमें तो नहीं पता, हम तो इस चीज का हम नहीं जानते कि वो कौन है, ठीक है। और हमें बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोगों ने आवाज क्यों उठाई है, आप लोगों ने जो कि आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर को भी इन्होंने हमारे घर में 25 से 30 लोगों ने हमला किया है नकाबपोश नामालूम अफराद ने, और मुलाजमीन पे काफी तशद्दुद की है। मेरे 11 माह के बेटे पे, 9 साल की बेटी पे, मैं बीमार खातून हूं, मुझ पे तशद्दुद किया। हमारे मुलाजमीन की हड्डी पसलियां तोड़ी गई हैं, शदीद जख्मी किया गया है। और वही लोग जिनको मैं पहचानती हूँ शक्ल से और आवाज से, वही लोग हमारे घर के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते हैं। अभी रात के 2 बजे हैं तो हमारे घर के आसपास जो है इस्लामाबाद वाला जो घर है वहां पे मशकूक गाड़ियां घूम रही हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं जा सकते, मेरी बच्ची स्कूल जाती है, मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा सकती। हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, जहनी तौर पे हमें जो है ना टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। खुदारा कुछ तो खुदा का खौफ करें, वो जो बूढ़ी माँ है जिसको, जिसके ऊपर आपने इतना जुल्म किया है, उनको आपने गाली गलौज की है, जिनको जो आपकी दादी की और नानी की उम्र की है उन पे आपने तो शदत की है, उनको जमीन पे गिराया गया है। अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता है तो क्या आपके जमीर आपको माफ करेगा? आपका जमीर आपको ये चीज की इजाजत देता है आप जो कर रहे हैं? खुदा गर्व करे, अल्लाह, मैं झोली उठा के बददुआएं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये वालदा की हालत देखें कि ये इस टाइम क्या हालत है उनकी, वो बेहोशी के आलम में पड़ी हुई है, कोई होश नहीं है उनको, ये उनकी इस टाइम हालत है। ये देखें, ये इनकी उम्र देखें, इनकी 100 के लगभग उम्र है, इन पे तो शदत की है। ओ खुदा कदर करे, खुदा तबाह बर्बाद करे आप लोगों को जो आप लोग कर रहे हैं, जो इस तरह आप दहशत फैला रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं, औरतों को, औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। खुदा आपको तबाह बर्बाद करे, मेरी बददुआ है आपके लिए। हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारी बुजुर्गों पे जुल्म कर रहे हैं, औरतों पे तो शदत कर रहे हैं। और ये हमें कहा जा रहा है कि मेजर उमैर से मिल ले हाजी इम्तियाज जाके, हम नहीं आएंगे। खुदारा आवाज उठाएं, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, हमारे हक में आवाज उठाएं, अपने लिए आवाज उठाएं। आप जो है ना, हम झुकेंगे नहीं, अभी हम
मर जाएंगे, हम नहीं झुकेंगे, हमें बहुत जो है ना, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, हमारी जान को खतरा है, ये हमें धमकियां दे रही है कि आपने आवाज क्यों उठाई है हमारे खिलाफ, हमारी जान को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारे बुजुर्गों को खतरा है, हम औरतों को खतरा है, घर में जबकि कोई मर्द नहीं है। खुदारा प्लीज आप लोग इंसाफ करें।